नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू खंडेलकर एकेडमी। आज हम इस वीडियो में मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के कुछ मल्टीपल चॉइस डिस्कस कर रहे हैं, उसकी सीरीज चालू है। तो उसमें आज का लेक्चर आगे देखते हैं। अभी तक के हमने 180 तक कंप्लीट किए हैं। तो आपको हमारा ये प्रयास पसंद आता है तो हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, निश्चित ही आपको हमारे चैनल से मदद मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं देरी ना करते हुए। देखिए 181 नंबर का क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ स्थित है? क्वेश्चन आता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भारतीय वन प्रबंधक संस्थान, भारतीय वन प्रबंधक प्रबंधन है, वन प्रबंधन संस्थान ये भोपाल में है। डायरेक्ट पूछा जाता है, याद रखना है, इसको कन्फ्यूज नहीं करना है भारतीय वन अनुसंधान संस्थान से। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान से कन्फ्यूज नहीं करना है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान है देहरादून में, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान है देहरादून में, और उसका एक क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर में है, उसका एक क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर में है। तो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर में है, और ये क्या है, ये प्रबंधक वाला है, प्रबंधक वाला यानी मैनेजमेंट वाला है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट ये भोपाल में है। बहुत लोग गलत करते हैं, गलत नहीं करना है। देश का पहला शिव संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो देश का पहला शिव संग्रहालय ये भोजपुर शिवलिंग है, भोजपुर शिवलिंग जो मध्य प्रदेश रायसेन में आता है वहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो यह इम्पॉर्टेंट है, भोजपुर शिवलिंग है, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा शिवलिंग है भोजपुर शिवलिंग, और ये भोजपुर शिवलिंग को भोजपुर शिवलिंग को उत्तर भारत या पूर्व का सोमनाथ भी कहा जाता है। तो याद रखना, ये देश का पहला शिव संग्रहालय बन रहा है यहाँ पे, तो ये कहाँ बन रहा है, भोजपुर शिवलिंग में। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक मैग्नीज पाया जाता है? मध्य प्रदेश में मैग्नीज होता है बालाघाट में, बालाघाट की भरवेली की खदान एशिया की सबसे बड़ी भूमिगत खदान है, और बालाघाट को भरवेली को मैग्नीज नगरी भी कहा जाता है। तो बालाघाट में होता है, याद रखना है मैग्नीज। बालाघाट दो खनिज के लिए बहुत फेमस है, एक मैग्नीज हो गया और एक हो गया तांबा, याद रखना है, तांबा मलाजखंड में होता है। मध्य प्रदेश में सीसा उत्पादन कहाँ होता है? तो सीसा जिला बोलते हैं, सीसा निकलता है मध्य प्रदेश में होशंगाबाद में, तो याद रखना है होशंगाबाद। निम्न में से किस जिले में देश का सबसे बड़ा सौर्य परियोजना शुरू की गई है? मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सौर्य परियोजना रीवा में शुरू की गई है, 750 मेगावाट है, और एक प्लांट रीवा में भी है भानुपुर तहसील तरफ, वहाँ का 130 मेगावाट है। सौर्य परियोजना की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, इसका आंसर हो जाएगा रीवा। पन्ना की प्रसिद्ध हीरा की खदानें निम्न में से किस सीरीज के अंतर्गत आती है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, क्या आएगा इसका आंसर, इसका आंसर आएगा बिजावर सीरीज। कड़प्पा सेल समूह के बिजावर सीरीज से हीरा का उत्पादन होता है। हीरा किस कौन सी सीरीज से निकलता है कभी पूछा, तो बिजावर सीरीज, कड़प्पा सेल समूह में निकलता है हीरा। तो कड़प्पा सेल समूह के बिजावर सीरीज से निकलता है हीरा, तो याद रखना है, समझ में आ गया होगा, ये आंसर सही होगा। सोलंकी सीरीज से निकलता है ग्रेफाइट, जो डी वाला है, सोलंकी सीरीज से निकलता है ग्रेफाइट, तो याद रखना है ये, और ये सौसर सीरीज से निकलता है कोयला, गोंडवाना सेल समूह के सौसर सीरीज से निकलता है कोयला, तो ये याद रखना है, जो भी बताया मैं भी ध्यान से देखिए। नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? तो 1921 में किया गया, सॉरी 1980 में किया गया था नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण का गठन, जो सरदार सरोवर बांध बनने वाला था उसके लिए जल विवाद चल रहा था, तो उस टाइम पे किया गया था नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण का गठन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश माधवराव सरपे पत्रकारिता संग्रहालय, तो माधवराव सरपे पत्रकारिता संग्रहालय ये भोपाल में है, याला संग्रहालय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूर्व मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी वाला सीधी जिला स्थान पर अब किताब किसने जीत लिया है, किसको मिला है? तो सीधी जिला से अलग हुआ है सिंगरौली, सिंगरौली को बोलते हैं अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी,
इसका आंसर सही हो जाएगा ए वाला। सरदार सरोवर विद्युत उत्पादन में मध्य प्रदेश का कितना प्रतिशत हिस्सा है? मध्य प्रदेश का जो है 57% हिस्सा आता है उसमें सरदार सरोवर बांध के तहत। तो याद रखना है विद्युत उत्पादन में सरदार सरोवर विद्युत उत्पादन में 57% मध्य प्रदेश का है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में ई शासन वेबसाइट का नाम क्या है? तो ये आंसर सही होगा mp.nic.in, ये पहला आंसर सही होगा। ग्राम सभा पार्क, तो ये पहला आंसर सही होगा। मध्य प्रदेश में होमगार्ड पैरा पुलिस फोर्स का मुख्यालय इंदौर में है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें गलत करोगे तुम। देखो होमगार्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? जबलपुर में, लेकिन ये क्या बोला है, होमगार्ड पैरा पुलिस फोर्स का है इंदौर में। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब की गई थी? तो 1960 में की गई थी, 1960। मोस्ट इंपॉर्टेंट सन वाला एक क्वेश्चन तो आता ही है। मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा नेट सुविधा का नाम क्या है? तो पोलनेट नाम रखे थे मध्य प्रदेश में, पोलनेट, तो याद रखना है। कर्नल सी के नायडू के नेतृत्व में होलकर क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो होलकर क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना महाराजा यशवंत राव, बी वाला आंसर सही होगा। यशवंत राव ने 1941 में की थी, बी आंसर सही होगा। तो इसका आंसर सही होगा बी वाला, महाराजा यशवंत राव। अगला क्वेश्चन में चलते हैं, मध्य प्रदेश में बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? तो 19 अक्टूबर 1946 में की गई थी, और मुख्यालय कहां पर है? जबलपुर में। तो तारीख याद रखना है, आता है 19 अक्टूबर 1946। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य विद्युत नियामक आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो ये है, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर 1998 में की गई थी राज्य विद्युत नियामक आयोग की स्थापना। अगला क्वेश्चन, सूती कपड़ा उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मध्य प्रदेश का जो है तीसरा स्थान है। पहले नंबर में है महाराष्ट्र, दूसरे नंबर में है गुजरात, और मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान है। सूती कपड़ा के उत्पादन में मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान है। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रथम खेल नीति कब घोषित की थी? तो 1989 में प्रथम खेल नीति घोषित की थी, और वर्तमान में 2005 की खेल नीति लागू है। तो इसका आंसर हो जाएगा, प्रथम पूछा है, बी वाला। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, टू हेल विथ हॉकी किसकी पुस्तक है? तो ये असलम शेर खां की पुस्तक का नाम है, असलम शेर खां की पुस्तक का नाम है, आत्मकथा का नाम है असलम शेर खां। हॉकी खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय खेले, क्वालालंपुर ओलंपिक में खेले हैं 1975 में, और गृह मंत्री और केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, बैतूल के सांसद भी रहे हैं, बैतूल जिले से सांसद भी रहे हैं, और असलम शेर खां का जन्म हुआ था भोपाल में। अगला क्वेश्चन, खेल कूद एवं युवा कल्याण विभाग की स्थापना 1 अक्टूबर 1975 को की गई थी, 1 अक्टूबर 1975 को भोपाल में की गई थी, तारीख आती याद रखना है। रानी दुर्गावती संग्रहालय कहाँ पर है? तो ये जबलपुर में है, कभी जबलपुर ऑप्शन नहीं दिया तो दमों लगाना है, तो जबलपुर में है ये रानी दुर्गावती संग्रहालय। अभय खेल प्रसार इंडोर स्टेडियम का ही नाम है, अभय खेल प्रसार, इंदौर में है, याद रखना है। मध्य प्रदेश में खेल संग्रहालय कहाँ पर है? तो तात्या टोपे स्टेडियम भोपाल में बनाया गया है खेल संग्रहालय। सतकाय किसकी प्रसिद्ध रचना है? सतकाय ये भरतहरि की प्रसिद्ध रचना है, और भरतहरि ने 3 शतक मारे थे, मैंने बताया था आपको 3 रचनाएं इंपॉर्टेंट है, नीति शतक, वैराग्य शतक और श्रृंगार शतक, ये 3 रचना भी इंपॉर्टेंट है भरतहरि। अगला देखते हैं, उज्जैन का प्रसिद्ध महाकाल मंदिर लगभग कितने वर्ष पुराना है? तो इसका आंसर बुक में 250 वर्ष दिया है, लेकिन बहुत पुराना मंदिर है वो, तो आप इसको देख सकते हैं। मध्य प्रदेश में कृत्रिम रेशा से कपड़ा निम्न स्थान पर बनाए जाते हैं? तो नागदा में बनाए जाते हैं, नागदा उज्जैन में आता है, ये पहला आंसर सही होगा इसका। मध्य प्रदेश में रेयान बनाने का कारखाना, ये भी नागदा में है, रेयान बनाने का कारखाना नागदा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस लोक कवि को कृषकों के वैज्ञानिक कहा जाता है? तो वैज्ञानिक घग, ये घग जो है ये घग वैज्ञानिक थे, तो बी आंसर सही होएगा। कालिदास ने निम्न में से किस ग्रंथ में शिव पार्वती विवाह की कथा का वर्णन किया है? तो कुम्हार संभवम में
संभव संभव है कुमार संभव। कुमार संभव में कालिदास ने शिव पार्वती का वर्णन किया है। मध्य प्रदेश में माइनिंग कॉरपोरेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो माइनिंग कॉरपोरेशन का मुख्यालय भोपाल में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भोपाल में स्थित जामा मस्जिद, एक जामा मस्जिद भोपाल में भी है, उसका निर्माण किसने करवाया था? कुदसिया बेगम ने करवाया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए आंसर होगा, ए आंसर कुदसिया बेगम। मध्य प्रदेश में दिल्ली दरवाजा कहाँ पर है? दिल्ली दरवाजा है मांडू में, मांडू धार में आता है, मांडू याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्यवसाय के आधार पर गोंड जनजाति की निम्न उपजातियाँ हैं, तो ये सभी आंसर आएगा इसका डी, तीनों उपजाति गोंड की है। अगरिया, अगरिया ये भी गोंड जनजाति की उपजाति है, ओझा, ओझा भी उनकी है, और प्रधान, ये तीनों गोंड जनजाति की उपजातियाँ हैं। कर्तव्य समाचार पत्र कहाँ से निकलता है? तो ये दमोह से निकलता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है दमोह से। मध्य प्रदेश में इंजन वाल्व कहाँ बनते हैं? तो भोपाल में बनते हैं, याद रखना है, ए आंसर आएगा इसका। कुंडलगिरी व बड़े बाबा का मंदिर कहाँ पर है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मंदिर है, कुंडलगिरी व बड़े बाबा का मंदिर दमोह में है, दमोह में। द बाएगा नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो बैरियर एल्विन, ए आंसर आएगा, बैरियर एल्विन ने लिखे द बाएगा नामक किताब। भरूत स्तूप जो सतना में है उसकी खोज किसने की थी? तो कानीधाम ने की थी, याद रखना है, कानीधाम इंपॉर्टेंट है, भरूत स्तूप कानीधाम ने की थी, सतना जिले में है। तो इस लेक्चर में इतने डिस्कस करते हैं, वीडियो कैसा लगा बता सकते हैं आप, कोई सुधार चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। नमस्ते।